आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिलेटेड। आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से 38.63 करोड़ रुपीज आए हैं मैग्नमाइजेशन के लिए, खाली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, पंच भी है, सरपंच भी है, वो छोड़ के खाली जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में आता है उसके लिए हमारे पास जो फंड्स आए थे वो आए थे 38.63 करोड़, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से 31 करोड़ रुपीज लगे हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 31 करोड़ रुपीज लगे हैं उसमें से 4-5 करोड़ रुपए वहां लगे जो ग्रीन बैलेट है, जहां पे हम मैग्नमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए शहर की हालत क्या खस्ता हाल है, मैग्नमाइजेशन नहीं हुआ है हर एक जगह पे। अगर 38 करोड़ रुपीज 63 लाख रुपीज आए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 74 वार्ड्स में, लेकिन बदकिस्मती से ये 31 करोड़ रुपीज खाली दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगे, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल में। क्या हबाकदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नमाइजेशन हो जाए? क्या बटामालो के लोग नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? खानियार के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? यहाँ बेमना के लोग जो है वो नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नमाइज हो जाए? आप देखे नटीपोरा, छानपोरा बाईपास, वहां पे मैग्नमाइजेशन नहीं हुई है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स दिया है, उसको मिसयूज किया गया है। आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ये फंड जो है इसको अप्रूवल किसने दिया है? 1 करोड़ से ज्यादा अगर एसएमसी में 1 करोड़ तक कमिश्नर साहब खुद अप्रूवल दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा किसी चीज को अप्रूवल चाहे उसके लिए आपको काउंसिल बनानी है, काउंसिल में उसको अप्रूवल देनी है, काउंसिल में पास करना है। अगर आप काउंसिल नहीं बुला सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला सकते हो। मैं एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। एक्शन प्लान किसने बनाया इसका कोई पता नहीं है, अप्रूवल किसने दिया इसका कोई खबर नहीं है। एलसीएम से हमने आरटीआई करके ये बोला है कि आपका जो ग्रीन बैलेट है वहां पे मैग्नमाइजेशन हुई है, क्या आप लोगों ने एनओसी दी है? उन्होंने कहा हमारे ऑफिस से कोई एनओसी नहीं मिली है, जबकि वहां पे भी मैग्नमाइज हुआ है। अगर एक गरीब इंसान चाहता है जो ग्रीन बैलेट में रहते हैं ऑलरेडी पिछले 70 साल से, अगर वो चाहेंगे हम वहां पे वॉशरूम बनाए, उनको वॉशरूम बनाने के लिए इजाजत नहीं है। सरकार ने कैसे ग्रीन बैलेट में मैग्नमाइजेशन की है? आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बार बार उन्होंने सरकार से गुजारिश की, लेकिन लगता ये था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एलिगेशन ये दी जा रही थी शायद ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आप देखो जो 38 करोड़ में से 31 वहां लगे, जो रेस्ट 7 करोड़ 63 लाख रुपए जो पूरे श्रीनगर में लगा उसमें से आप देखो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने घरों में मैग्नमाइज किया। आप जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने एरिया में देखिए, क्या उनके एरिया में मैग्नमाइज हुआ है? आप जो शहर में देखते हो मैग्नमाइज, ये खाली 7 करोड़ का हुआ है। अगर 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगता कहीं पे मैग्नमाइज की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैम है, ये अप्रूवल किसने दी है हम कमिश्नर साहब को पूछना चाहते हैं, यहाँ की एजेंसीज को, एसीबी को कहना चाहते हैं कि एलजी साहब से गुजारिश है आप प्रॉप करें, आप एक तुरंत एक टीम बनाइए, आप प्रॉप करें, इसको अप्रूवल किसने दिया है? सेकंड ये है कि अभी रिसेंटली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हुपर गाड़ियां लाई है ताकि वो हुपर उठाए, वो 727 करोड़ रुपीज की अप्रूवल वो किसने दी है? वो किस कंपनी पे लाई है? क्या उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अप्रूवल दी है? क्या उसको काउंसिल में बुलाया गया है? काउंसिल में इसका डिस्कस हुआ है? जब से कॉरपोरेशन बनी है एक्ट के मुताबिक हर महीने हमें एक काउंसिल बुलानी है। आज 4 साल हो गए, 4 साल में हमने खाली 16 काउंसिलें बुलाई है, 16 में से 9 काउंसिलें इलेक्शन की थी, बची 7 काउंसिल। काउंसिल अब हमें इनका एक्सक्यूज ये है कि जनाब अगर हम काउंसिल बुलाते हैं वहां पर हंगामा होता है। हंगामा तो होगा, ये तो ऑफिसर अकाउंटेबल है। हम तो एक्जन सिटी को बोलेंगे जो खालिद साहब है उसने ये अप्रूवल कैसे दी? उसने इन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घर में मैग्नमाइज किया है। हम जनाब ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते या तो ये काउंसिल को डिजॉल्व करें।
मेन मुद्दा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम चाहते हैं कि ये काउंसिल डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वन मैन आर्मी, एक बंदा पूरी काउंसिल को उसने हाईजैक करके रखा है। या तो काउंसिल को डिजॉल्व की जाए, या तो कॉर्पोरेटर को एम्पावर मिलनी चाहिए, हर महीने में काउंसिल लगनी चाहिए। इनका एक्सक्यूज है जनाब काउंसिल लगती है वहां पर हंगामा होता है। क्या पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होता है? क्या असेंबली में हंगामा नहीं होता है? जो ये ऊपर लाए गए हैं उसके लिए इन्होंने आउटसोर्स किया था, 200 बंदों को हमें ड्राइवर लगाने हैं, उसका टेंडर हुआ है। जिस बंदे को टेंडर हुआ उसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने रिटेंडर करवाया, बोला आप इलिजिबल नहीं हो। अब फिर से टेंडर हुआ है, अब जो इलिजिबल है उसको नहीं देते टेंडर। ये इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार को, ऑनरेबल, या तो ऑनरेबल LG साहब को नॉलेज में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब को नॉलेज में नहीं है, धीरज गुप्ता जी को नॉलेज में नहीं, या तो वो डेलिबरेटली इन चीजों के करने में वो भी मुलावस है। ये चीजें मैं इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या तो आप इलेक्टेड बॉडी अगर इनको एम्पावरमेंट दीजिए, या तो इसको डिजॉल्व कर दीजिए। और ये जो 31 करोड़ रुपीज लगे हैं दो कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये जो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इसका अप्रूवल किसने दिया है, एक्शन प्लान किसने बनाया है, और ग्रीन बैलेट में किसने अलाउ किया है, वहां पे मैग्नमाइज किया क्या है? हम हर बेसिकली क्या है, जो कॉर्पोरेटर्स ने आज तक जितने भी एस्टिमेट बनाए हैं अपने एरिया में, उनको ये कहा गया था कि आपको मैग्नमाइज होगी, आपको मैग्नमाइज होगी, आपको मैग्नमाइज हुई, अप्रूवल के लिए भेजा है, वहाँ भेजा है, यहाँ फाइनली हमारे एक कुलीग ने, उन्होंने RTI किया है। जब उन्होंने RTI किया, RTI रिसेंटली आया, उससे हमें पता चला कि 38 करोड़ में से 31 करोड़ दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है। देखो ये तो ऑनरेबल मेयर साहब ने अप्रूवल दी है, ऑनरेबल मेयर साहब के कहने पे हुई है, वहां के जो कॉर्पोरेट्स उन बेचारों को पता नहीं है। वो कह रहे कि हमने एस्टिमेट बनाया है, ना हमने वहां का बताया है। वो जितनी भी मैग्नमाइजेशन हुई वो ऑनरेबल मेयर साहब के कहने पे हुई है। और जो एग्जन सिटी है, जो खालिद साहब है, वो कह रहा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे खुद हूँ, मुझे पता है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए एक्ट में ये लिखा है कि हर बार आप काउंसिल बुलाओ। काउंसिल में क्या होता है, सारे ऑफिसर्स को बुलाते हैं, वो वहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं, उनको हम सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। यहाँ पे तो काउंसिल भी नहीं लगती है। दिनकर साहब, अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर आप सवाल उठा रहे हैं? यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, जो इसमें इन्वॉल्व? जनाब इसमें तो इन्वॉल्व हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे कमिश्नर साहब इन्वॉल्व। हाँ हाँ बिल्कुल, कमिश्नर साहब इन्वॉल्व। उसने कैसे अप्रूवल दी है आप मुझे बताएं, कमिश्नर साहब की वो तो कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा अप्रूवल आपको देनी है किसी भी चीज के लिए, आपने अपने गाड़ियां ऊपर खरीदे हैं 27 करोड़ के, ये अप्रूवल तो, ये तो काउंसिल से आपको पास करवाना है, या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको बुलानी है, ना तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये अप्रूवल हुआ है, ना तो काउंसिल में हुआ है, उसने तो खुद किया है। यही तो हम कहते हैं उसने किस कैपेसिटी में किया है ये। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेयर साहब ने कोई डायरेक्शन दी है, आप जनाब ये करो, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो मेयर साहब नहीं है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो कमिश्नर साहब है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो AEE है, एक्जन है। मैं कहता हूं कि प्रॉब होना चाहिए, 31 करोड़ जो मिसयूज हुआ, जो ग्रीन बेल्ट में जाया हुआ है, वो तो शहर में लगना चाहिए, पूरे शहर में 7 करोड़ लगे। और हमें कुछ लोग कहते हैं जनाब बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो तो 7 करोड़ में कह रहे कि पूरी, अगर हम ये 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगाए, और मेन रोड जो है ना वो तो R&B खुद कर रही है, उसके अलावा मेन रोड के अलावा हमारे पास 38 करोड़ आए हैं, 38 करोड़ 63 लाख रुपीज, उसमें 31 करोड़ रुपये जो जाया हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कमिश्नर साहब है। इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो BJP पर ही उंगली उठ रही है। नहीं कैसे जनाब, मेरी बात सुनिए, सेंटर में गवर्नमेंट BJP की है, स्टेट में BJP की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं नहीं आप बात सुनिए जनाब, यहाँ का जो मेयर है वो तो BJP का नहीं, वो तो अपनी पार्टी का है। यहाँ पर जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर कितने हैं, हम तो 4-5 कॉर्पोरेटर BJP के हैं, हमने तो अपने एरिया में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी शहर को आप देखो वो तो तबाह हुआ है। आप मुझे बताइए आपके एरिया में क्या हर एक जगह पे मैग्नमाइज हुआ है? आप तो डिफरेंट एरिया में रहते हो, उसके लिए तो पैसा आया। अगर आपके एरिया में, अगर आपने, हमने तो प्लान दिया है आपके एरिया में मैग्नमाइज करना है, जो हमने यहाँ से एक्शन प्लान दिया उसके हिसाब से 38 करोड़ आए, लेकिन क्या आपके एरिया में मैग्नमाइज हुआ है? आप लोग जो मीडिया, ये मीडिया के थ्रू आप लोग जो देखते हो, वो अपने अपने एरिया का फोटोग्राफ उठा के वो तो कमेंट में डाल सकते हैं। हर एक जगह पे तो मैग्नमाइज नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट ने पैसा भेजा, वो पैसा गया कहाँ? वो 31 करोड़ ग्रीन बेल्ट में लगा क्यों? किसने उसको अप्रूवल दी है? कैसे वो एग्जीक्यूट? वो तो LCM कहते हैं कि हमने NOC नहीं दिए, उसके भी मेरे पास प्रूफ है। जो हमने RTI किया, RTI के थ्रू उन्होंने कहा कि 31 करोड़ जनाब वहां लगा,
पूरे शहर में तो 31 करोड़ 7 करोड़ लगे। आखिर पे एक सवाल है मेरा, आपने अभी कहा एक आदमी ने हाईजैक किया है, मंसूबा कर दिया, किसने किया है? ऑनरेबल मेयर जुनैद आजम मुत्तू ने। तो आपकी प्रेस को उन्हीं के खिलाफ है, मेरे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। आप लोगों ने 31 करोड़ रुपीज कैसे ग्रीन बैलेट में लगाए? ग्रीन बैलेट में तो दरगाह है, दरगाह जो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ग्रीन बैलेट तो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे पास तो प्रूफ है कहाँ कहाँ पे लगा है।